हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, डीन एम्ब्रोस या कहे जॉन मॉक्सली और रोमन रेंस ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा दोनों में एक काफी अच्छे दोस्त है। बट हम सब जानते ही है कि अब डीन एम्ब्रोस WWE को छोड़कर चले गए AEW, जो कि WWE की राइवल कंपनी है। बट बात करें कि आखिरकार अब फाइनली इतने समय के बाद रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा जॉन मॉक्सली के AEW में होने के बारे में। लेकिन गाइस, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आली के WWE चैंपियन बनने के बारे में। इसके अलावा स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड खत्म होने के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो गाइस, इन सब अपडेट्स में हम सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ जब स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। तो जैसा कि हम सब जानते ही, स्मैकडाउन के मेन इवेंट में एक टैग टीम मैच देखने को मिला था, जो कि था हैवी मेसनरी वर्सेस केविन ओवेंस एंड डॉल्फ ज़िगलर के बीच, जिस मैच में जीत हुई हैवी मेसनरी की। बट मैच खत्म होने के बाद केविन ओवेंस ने डॉल्फ ज़िगलर के सुपर किक का बदला लिया और उन्हें एक स्टनर लगाया और वहीं पर खत्म हो जाता है स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड। बट गाइस, आप सबको बता दूं कि इसके बाद हमें दो चैंपियनशिप मैचेस देखने को मिले। पहला मैच था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच, जिस मैच में बेली ने हरा दिया शार्लेट को और रिटेन कर ली अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। जिसके बाद हमें WWE चैंपियनशिप के लिए एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जो कि रहता है कोफी किंगस्टन वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर के बीच, जिस मैच में कोफी किंगस्टन ने भी अपनी टाइटल रिटेन की डॉल्फ ज़िगलर को हराने के बाद। सो गाइस, यही वो मैचेस थे जो कि हमें देखने को मिले जब स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है अली के WWE चैंपियन बनने से रिलेटेड। तो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं, अली को कुछ लोगों की तरफ से काफी ज्यादा हेट मिलती है उनके रिलीजियन कल्चर को लेकर, और इसी चीज के रिलेटेड अली ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ चीजें तो उन्होंने कहा कि सभी लोग यहाँ पर WWE चैंपियनशिप को चेज करें क्योंकि उन्हें मनी मिल सके, पावर मिल सके, फेम मिल सके, बट मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं WWE चैंपियनशिप को इसलिए चेंज करना चाहता हूँ ताकि मैं एक चेंज ला सकूं कई सारे लोगों के अंदर, कि इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम दिखने में कैसे हो, इसके अलावा और भी काफी कुछ। और साथ ही साथ अली ने कहा कि अगर तुम उन लोगों में से जिसे ये सारी चीजें झूठी लग रही है, तो मैं तुम सबको रॉन्ग प्रूफ करूंगा जब मैं बनूंगा WWE चैंपियन और तुम लोगों के अंदर एक चेंज लाऊंगा। सो गाइस, यही कुछ कहा आली ने WWE चैंपियन बनने से रिलेटेड। इसलिए अब देखना हो कि आखिरकार कब आली को मिलती है WWE चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है कि आखिरकार रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा जॉन मॉक्सली के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोमन रेंस से पहले शील्ड के तीसरे मेंबर सेथ रॉलिंस ने भी जॉन मॉक्सली के बारे में बातें की थी, जो कि मैंने आप सबको बताया भी था। बट अब बात करें कि रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा डीन एम्ब्रोस के बारे में, तो रोमन रेंस ने कहा कि अब हमारे वर्किंग रिलेशनशिप वैसे नहीं रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे, बट उसके लिए मेरे दिल में हमेशा लव रहेगी और वो मेरा हमेशा एक क्लोज फ्रेंड रहेगा और हमारे बीच एक ब्रदरहुड है, इसलिए मैं उसके लिए खुश हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने जॉन मॉक्सली के साथ कई सारे अच्छे मोमेंट्स बिताए जो कि याद रखने वाले, और रेसलिंग से हटकर हम दोनों के बीच एक प्यार है जो कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। सो गाइस, यही सारी चीजें कही रोमन रेंस ने जॉन मॉक्सली के बारे में। अब यहाँ पर रोमन रेंस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा हो, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप सबको क्या लगता है कि हमें फिर से WWE में शील्ड देखने को मिलेगी या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।